ओ भाई इसका तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है और ये चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी इसे यहाँ पे ला रहे हैं, इलाज हो जाएगा करके। कि मेरा हाथ पाँव नहीं चला हुआ, आग लगाया था। हाँ। हाँ। तो उसके बाद में बोल दिया, तो उसके बाद में आया आदमी, हाँ। एक आदमी बुढ़ा आया था। हाँ। तो उसने उसका मिट्टी लगाया। हाँ। तो आराम हो गया। हाँ। यहाँ से लाइन का शुरुआत हुआ है और देखिए कितना दूर तक है, दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, उतना लंबा लाइन है। हम लोग आए हैं आज किशनपुर में, यहाँ पे एक और वीडियो बना चुका हूँ मैं और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि आज शिवलिंग एक महीने बाद कितना बड़ा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको शिवलिंग को। बहुत दूर तक लगा हुआ है यह लाइन, पिकअप का, कार और वैन, इको, सभी लाइन में लगे हुए हैं और बहुत दूर तक लगा हुआ है, बहुत लंबा लाइन है ये। ओ भाई यहाँ का माहौल तो पूर्णतः मेले जैसा बना हुआ है। आप एक महीने पहले इसी शिवलिंग का मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं और खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा हुआ है यह शिवलिंग। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं किशनपुर में और यह बाइक स्टैंड है, देखिए आप कितना सारा बाइक यहां पे स्टैंड किया गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष पटेल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हम लोग आए हैं आज किशनपुर में, यहां पे एक और वीडियो बना चुका हूँ मैं और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि आज शिवलिंग एक महीने बाद कितना बड़ा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको शिवलिंग को। देखिए यहीं से लोगों की भीड़ शुरू हो चुकी है और यहाँ से लाइन लग चुका है, यहाँ से आपको लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपको शिवलिंग का दर्शन होगा। देखिए कितना लंबा लाइन है। चलिए आपको थोड़ा देखिए नजदीक से दिखा देते हैं कितना लंबा लाइन लगा है। इतने सारे श्रद्धालु एक साथ देखने को बहुत ही कम मिलता है भाई। भाई कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं भाई इंसान, देख सकते हैं आप जितने भी वहाँ पर दिख रहे हैं सभी इंसान हैं, बहुत ही छोटे छोटे दिख रहे हैं। भाई यहीं पे शिवलिंग है, यहीं पे जाना है हमें लाइन में खड़े होकर। इधर से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं और ये वही रूट है जिधर से श्रद्धालु दर्शन करने के बाद आएंगे। कोई है तो
नारियलों का इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, देख लो भाई। और यह इनकी दौड़ है। नारियलों का घर लगा हुआ है भाई। अगर लाइन में लग कर सीधे तरीके से शिवलिंग का दर्शन करने के लिए जाते तो बहुत ही लेट हो जाता। इसी कारण मैंने सोचा कि यहाँ सेवा कर लेते हैं और मैंने इस भाई से बोला कि भाई हम लोग नारियल फोड़ेंगे, तो हमें अंदर अंदर आ चुके हैं और अभी 10-15 मिनट नारियल फोड़ लेते हैं, उसके बाद दर्शन कराएंगे आपको। तो चलिए थोड़ा सा नारियल फोड़ लेते हैं। यहाँ पे बैठा था कि उसका आग जला रहा था, तो आग नहीं जला, तो उसके बाद में आग जलाने के बाद उसका हाथ पैर नहीं चला, उसके बाद में उसका हाथ पाँव जोड़ा और एक किया तो उसका हाथ पाँव ठीक हुआ। उसके बाद में गांव में गया कि मेरा हाथ पाँव नहीं चला हुआ, आग लगाया था, तो उसके बाद में बोल दिया। तो उसके बाद में आया आदमी, एक आदमी बुढ़ा आया था, तो उसने उसका मिट्टी लगाया तो आराम हो गया। आराम होने के बाद पूरा गांव वालों को पता चला। इसके बाद में सभी जैसे बाहर से आ रहे हैं, सभी यात्री आ रहे हैं, वो लोग सब सही आराम हो रहे हैं, उसी नाम से हो रहा है। मैं विनती करा था भाई, नहीं मान ला, लाइन में ही आओ और लाइन में ही जाओ, लाइन से ही जाओ। मैं ऊपर ही उड़ रही है, विनती करा था और मानता हूँ बोलता हूँ अपना और अगरबत्ती को यहीं पे जलाना है, यहाँ पे हमारा शिवलिंग वगैरह देना है तो यहीं पे देना है। चलिए शिवलिंग दिखाते हैं, अगरबत्ती नहीं जलानी है। अच्छा भगवान नहाते थे भी श्रद्धालु है, यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो नदी जो कि नीचे यहाँ काला दिखाई दे रहा है वही शिवलिंग है। ये जो नीले रंग की साड़ी में दादी दिखाई दे रही है वह चल नहीं पा रहे हैं,
इसे लेके आए हुए हैं मिट्टी लगाने के लिए और देखते हैं। देखिए हाथ कैसे हिल रहा है और इलाज के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये भी भाई चल नहीं पा रहा है। मेरे भाइयों बिल्कुल हम ये जाने के रास्ते में आने नहीं देंगे, केवल विकलांग लोग ही आएंगे। मैं उनके आगे तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। पूजा करके प्रसाद लेके जा रहे हैं, उनको जाने दें।